हेलो फ्रेंड्स, रत्नामी चाय के में आपका वेलकम है। कांची बहुत ही पाचक पेय है, इसे गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कांची वड़ा रेसिपी। कांची वड़ा राजस्थान की बहुत फेमस डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और पेट भी ठंडक करता है। तो गर्मियों के दिनों में आप इसे बनाकर ज़रूर पिएं, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। ये मैंने मूंग की दाल ली है, 1 कप दाल ली है और ये बिना छिलके वाली दाल है। और ये मैंने 1/2 कप उड़द की दाल ली है, ये भी बिना छिलके वाली दाल है। मतलब हमने 1 कप मूंग की दाल ली है और 1/2 कप उड़द की दाल। एक बर्तन में मूंग की दाल डालेंगे और साथ ही हम इसमें उड़द की दाल भी डाल देंगे और दोनों को पानी से अच्छी तरह से हम 4 से 5 बार धो लेंगे। दाल को मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसमें साफ पानी डालेंगे। इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें गुनगुना पानी डाल दें तो आप 2 घंटे बाद इसे बना सकते हैं। जार में 3 चम्मच राई डालेंगे और इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे। आपको इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करा है, इसको हल्का सा क्रश करा है। जैसे मार्केट में राई की दाल आती है उस तरह से मैंने इसे हल्का सा क्रश किया है। इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। अब जार में 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच खट्टा दही। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा सा दही ज़्यादा डालें। इसे हम एक बार मिक्सर में चला लेंगे। ये देखिए, सभी मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम जो हमने राई क्रश करी है उसमें डाल देंगे। इसे हम हाथ से 2 मिनट इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने कांच की बॉटल ली है जिसमें मैं कांची वड़ा स्टोर करके रखूंगी। तो जो हमने राई का पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डालूंगी और आप इस पानी को एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको मिर्च मसाला कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मैं 1 प्लेट से ढक दूंगी और ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है जिससे मैं इसे इस तरह से बांध दूंगी। इससे क्या होगा कि इसमें गर्माहट रहेगी तो ये जल्दी से खट्टा हो जाएगा। इसमें हल्का सा खट्टापन होना चाहिए, उसी से इसका मेन टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम इसे बांध कर रख देंगे। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और इसमें डालने के लिए हम वड़े बना लेंगे। ये देखिए, दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। दाल को हम 2 बार में पीसेंगे। तो ये मैंने 1/2 दाल ली है और इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे पीस लेंगे। दाल को आप बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसें, इसमें हल्के से बस दाने रहना चाहिए। मतलब इसे मोटा भी नहीं पीसना है और बारीक भी नहीं। अगर बारीक पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा ये चिकना हो जाएगा और मोटा पीसेंगे तो इसमें दाने रह जाएंगे, मुंह में दाने आएंगे। इसे हम थाली में निकाल लेंगे।
और बाकी बची हुई दाल है वो भी इसमें पीस लेंगे। तो इसमें भी हम 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे भी उसी तरह पीस लेंगे। अब आपको इस तरह से इसे हाथ से फेंटना है 5 मिनट तक, मतलब आप इसे जितना ज़्यादा अच्छा फेंटेंगे आपके वड़े उतने अच्छे बनेंगे। तो इसे हम इस तरह से फेंट लेते हैं। तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है और इसमें देखिए वड़े जैसे ही मैं डाल रही हूँ तो इसमें बुलबुले आ रहे हैं, मतलब आपको इतना गर्म तेल रखना है कि इसमें बुलबुले आने चाहिए, मतलब मीडियम गर्म आप कर ले तेल को। और मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ इसे, तो ये हो सकता है पहली बार में ये थोड़े से नीचे चिपके, और बड़े का शेप आप छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बड़े नीचे से थोड़े से चिपक गए हैं तो इसे इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे ताकि वड़े में कच्चापन नहीं रहे, और उसके बाद गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने एक पॉट में थोड़ा सा पानी लिया है और जो हमने वड़े फ्राई करे हैं वो इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो बड़े का तेल है वो सारा इस पानी में निकल जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारे कांजी बड़े हैं वो और ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो हम जब तक दूसरे बड़े फ्राई कर रहे हैं तब तक हम इन्हें पानी में ही रहने देंगे। जितनी भी बार आप बड़े बनाएं तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर इसे फेंटते जाएँ और कढ़ाई में डालते जाएँ, तो इससे आपके बड़े एकदम सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। तो ये देखिए मैं दूसरी बार डाल रही हूँ तो ये डालते ही ऊपर आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम थोड़े से चिपकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, और ये देखिए बिल्कुल एकदम गोल बन रहे हैं। तो आप इस तरह से फेंटते जाएं और इसमें वड़े डालते जाएं, आप जितना ज़्यादा इसे फेंटेंगे उतने अच्छे आपके वड़े बनेंगे। ये देखिए वड़े का कितना अच्छा कलर आया है, और इसी तरह से हम सभी वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने जो पहले वड़े डाले थे वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसे बन गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब ये देखिए आप वड़े इस तरह से निचोड़ कर और इसमें पानी में डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ कि आप इस तरह से भी इसे डाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास बड़ी झारी है, तो इस तरीके से आप सभी बड़े इसमें निकाल लें। आप झारी को इस तरह से 5 मिनट तक इसमें रख दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और 5 मिनट बाद आप इसे इसमें डाल दें। और ये देखिए मैंने सभी बड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, और कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये कितने जालीदार बने हैं। ये कांजी बड़े आप दूसरे दिन सर्व करें, क्योंकि जो इसका राई का पानी है और जो हमने खटाई डाली है उसका टेस्ट अगले दिन आएगा, तो अगले दिन इसका टेस्ट और बेस्ट लगेगा आपको, इसलिए आप इसे दूसरे दिन ही सर्व करें। अगर कांजी ज़्यादा खट्टा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला दें तो खट्टापन इसमें कम हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें।